माया नगरी मुंबई हर किसी को अपने सपने संजोने का मौका देती है। माया से भरपूर बॉलीवुड क्या टीवी इंडस्ट्री की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ कब कौन अमीर बन जाए और कौन कब अमीर से फकीर बन जाए कहा नहीं जा सकता। इंडस्ट्री में कई एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने तिनके से ताज तक का सफर तय किया, लेकिन वहीं कुछ एक्टर ऐसे भी हुए जो फेमस तो हुए और उन्होंने खूब पैसे भी कमाए, लेकिन समय का फेर हुआ और वह सड़कों पर आ गए। कुछ स्टार्स तो सड़कों पर सब्जियां तक बेचने पर मजबूर हो गए। आज की वीडियो ऐसे ही स्टार्स पर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको एक्टिंग की दुनिया के 5 ऐसे स्टार्स के बारे में बताऊंगा जो आर्थिक तंगी का शिकार हो चुके हैं। इस लिस्ट में पहला नाम अभिनेता आशीष रॉय का है। आशीष कलर्स टीवी के शो ससुराल सिमर का में नजर आ चुके हैं। इस दौरान वो खूब फेमस हुए और उन्होंने खूब पैसा भी कमाया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। वहीं अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने एक समय में इंडस्ट्री के लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी। बाबर, जिनी और जूजू जैसे कई शो में एक्टिंग करने वाले जावेद हैदर भी इस लिस्ट में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेता की सोशल मीडिया पर सब्जियां बेचते हुए वीडियो काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद यह खबर छपी थी कि आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें ऐसा काम करना पड़ा था। इसी के साथ सोन चिरैया, ड्रीम गर्ल, तितली और कड़वी हवा जैसे शो में नजर आ चुकी एक्टर सोलंकी दिवाकर भी आर्थिक तंगी से गुजर चुके हैं। एक्टिंग की दुनिया में नजर आने वाले दिवाकर को सड़कों पर फल बेचते हुए देखा गया था। इस लिस्ट में बॉलीवुड के जाने माने सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण का नाम भी शामिल है। आदित्य नारायण ने इस बात का जिक्र किया था कि वो आर्थिक तंगी का सामना कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, एक समय ऐसा आ गया था जब उनके बैंक खाते में सिर्फ 18,000 रुपये बचे थे, लेकिन जब सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल शुरू हुआ तब उनका सही समय शुरू हुआ था। वहीं टीवी के चर्चित शो बंदिनी में दमदार किरदार में नजर आए शार्दुल पंडित भी आर्थिक तंगी झेल चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में शार्दुल ने बताया था कि हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो पिछले 8 महीने से बेरोजगार हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब वह मुंबई और एक्टिंग दोनों छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन दिन बदलने पर वो फिर से इंडस्ट्री में आ गए।